नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। नहीं, हम ये कहेंगे पूरे कश्मीर का रकबा 4000 मरबा किलोमीटर है और थोड़ा सा ये बाद है जो 3 किलोमीटर में फैला हुआ है, इनसे 3 किलोमीटर नहीं समाना जाता। टूरिस्ट जो हैं वो अगर इस तरफ आना चाहें, तोली पीर, दर्रा हाजी पीर, महमूद गली, लस डरना और इन सब इलाकों में जाने के लिए ये कॉरिडोर है और यहाँ ट्रांजिट कैंप आप समझ लें अब्बासपुर एक ऐसा मरकज है। साहब को भी अर्ज करते हैं कि इसका कोई हल करें, सड़कों पर इतनी आवाम नहीं है जितने बेकारी आए हुए हैं। बेवाजात बहुत ही मुश्किल है, देख सकता है इंसान, ले नहीं सकता, मूंगफली नहीं ले सकता, ये तो और तो खुश्क मेवाजात तो बहुत महंगे हैं। आखिर क्या वजह है, ये तो हमारे इलाके की चौगान है कश्मीरियों। असल वजह ये है, इनको लूट फूट के ले जाते हैं जो लोग बाहर दूसरे मुल्कों में इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो बाकी जो बची कुची चीज़ें रहती हैं वो भी यहाँ महंगी होती हैं, ठीक है ना। और महंगाई की वजह, अब अखरोट अगर एक बंदा मार्केट से वो ख़रीदता है 10,000 या 12,000 मन, उसने तो जाहिर सी बात है 300-400 रुपये किलो बेचने हैं तब उसका गुजारा होना है। अब एक किलो अखरोट से गिरी जो निकलती है आधा पाव निकलती है, अब उस गिरी को बंदा ड्राई फ्रूट की रेड़ी पे ला के क्या फ्रोख करेगा, वो क्या कमाएगा, या लेने वाला ही नहीं ले सकता, बेचने की तो बात ही दूर है ना। ये चीज़ें नापैद होती जा रही हैं इन करख्तियों की वजह से, इनकी एक तो देखभाल भी कम होती जा रही है और इसके बारे में कम से कम गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इकदाम करने चाहिए, ख़ासकर जंगलात या पौधाजात की जितनी भी पैदावार है वो कम होती जा रही है और माहौलियात पे असर हो रहा है इसका। हमारे पास वैरायटी भी अच्छी है और जो ही सर्दियाँ आती हैं यहाँ पे लोग ज़्यादातर उनका रुझू यहीं पे इसी तरफ होता है, हमारी तरफ आते हैं, यहाँ पे खरीदारी करते हैं ज़्यादा। सबसे पहली बात है ये ना, ये चीज़ें होती हैं गर्म, सर्दी में लोग ज़्यादातर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जिस्म को गर्म रखने के लिए ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। तो दूसरा ये कि कश्मीर में तो तकरीबन ज़्यादातर यही ना ड्राई फ्रूट भी सब लोग करते हैं, इसका पिस्ता वगैरह, काजू, चरोजे हो गए, चना वगैरह हो गया, उसके अलावा अंजीर, ये चीज़ें इनकी ज़्यादा डिमांड होती हैं कस्टमर की। सर इसकी मुख्तलिफ प्राइजेज होती हैं, तकरीबन अखरोट आपको अच्छे भी मिल जाते हैं 250 में 300 में, उसके अलावा ज़्यादा अगर अच्छे लेना चाहें 500 550 600 इसी रेंज में मजबूरी है। हम तो यही चाहते हैं कि जितना रिलैक्स कस्टमर को मिल सके तो देना कोशिश करते हैं हम, लेकिन ये कि पीछे से महंगा हो जाता है माल, तो इसमें फिर हमारा तो कोई कसूर नहीं। सर्दी बहुत ज़्यादा है और खुश्क सर्दी है जिस वजह से लोगों को खांसी, जैसे दमे की शिकायत और गाँव की सतह, खासकर बच्चे बीमार हैं, बूढ़े लोग जैसे, और उनको मेन मुश्किल जितनी सर्दी में बारिशें हो रही हैं, लैंड स्लाइडिंग हो रही हैं, वो मरीज़ अगर हैं तो अस्पताल तक बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं। ज़ाहिर बात उनका आना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक तो वो रश है, मतलब स्लाइडिंग हो रही है, बारिशें हो रही हैं, जगह सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, तो एक बंदा चिनारी से या कहीं बहुत दूर से आ रहा तो वो कैसे पहुँचेगा, जब हॉस्पिटल में पहुँचता तो आगे उसको डॉक्टर ही नहीं मिलते, तो उससे ज़ाहिर बात है फिर मसाइल तो होने। उससे गरीबा वास्ते तो कोई जगह है ही नहीं, तो अमीरा से फिर कोई ना कोई है साफ काला, असि छाती माड़े दर्द त्रिया फेरा कर रही हैं, कोई बंदा मोए था नहीं मिल गया, ना कोई चेक करने वाला है, असा गरीबा से बहुत जुल्म बनया ना, ना असी कोई सहूलत आ, कोई गल आ, कारोबार साट का कर्जी पैसा कहन का दौड़ दे, कर्जा भी कोई नहीं देना, रनिया बेवा मुसाफरा, ना कोई करने बनाने वाला, ना कोई गल आ, मगर इतना भी आना पैसे देने था मिलता भी फिर भी कोई नहीं मिलता, दो नंबर गोलियां देने जी राम ही नहीं आता, पैसे चौलियाँ ना जाके। देखें अस्पतालों की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब, अभी देखें आप OPD में इतने मरीज़ खड़े हैं, डॉक्टर जो अभी टाइम हुआ नहीं है, 2 घंटे पहले चले गए, कभी टी ब्रेक पे चले जाते हैं, काफ़ी हालत ख़राब है। जगह जगह कूड़ा पड़ा होता है, जगह जगह नालियाँ बंद हैं, जो यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं, पोल्ट्री फार्म रोड पर जाएँ, CMH चौक में जाएँ, बेला नूरशाह रोड पर जाएँ, चेली की तरफ जाएँ, ये सठी बाग की तरफ जाएँ, शहर का यही जो मरकज है, सब तरफ गांधी गांधे पानी पानी है, कूड़े ही कूड़ा है, अरबों रुपये खा जाते हैं, इनकी जो गाड़ियां हैं वो किराए पे लगाई हुई है इन्होंने, ये गाड़ियों को जब उनके पास जाए चला जाए जाया जाए कि कहा जाए कि ये आपकी सफाई नहीं होती, इनका ये प्रॉब्लम होता है कि हमारी गाड़ी ख़राब है। नहीं, हम ये कहेंगे पूरे दाखिमी कश्मीर का रकबा 4000 मरबा किलोमीटर है और थोड़ा सा ये बाद है जो 3 किलोमीटर में फैला हुआ है, इनसे 3 किलोमीटर नहीं समाना जाता।